कुछ और लगा दो यार इंडिया पाकिस्तान इस वक्त कुछ और लगाने की बात करना तो इखलाके तौर पे जुर्म भी और भी। असर। क्या तुम्हें क्रिकेट नहीं पसंद बिल्कुल भी नहीं हो हो हो। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझता था डैडी की वजह से डैड दा, की वजह से क्या डैडी की वजह से मुझे क्रिकेट से चिड़ है बचपन से किसी भी टीम का मैच हो ना वो तो ऐसे देखते थे जैसे कि उन पे फर्ज हो हम्म फिर तो बहुत ही कोई सुलझे हुए वाइज ज़हीन बुजुर्ग होंगे सारी जिंदगी उन्होंने मुझसे बात करते हुए नजरें टीवी पर ही रखी हैं बिल्कुल इसी तरह अब लेकिन तुम्हारा ख्याल तो बहुत रखा ना उन्होंने बात करते हैं तुमसे वो तो है लेकिन मामा उनसे बहुत गुस्से होती हैं उन्होंने हमेशा उनसे कहा है सब काम छोड़ो जाके एम्पायर या कमेंटेटर बन जाओ मामा बहुत अकलमंद है आइडिया क्रिकेट की क्रिकेट दुनिया की सैर भी और साथ पैसे भी बहुत मिलते हैं मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारे डैड से मिलना चाहिए हम दोनों ने एक अरेंजमेंट करते हैं एक कमेंटेटर बन जाए दूसरा तो मिल लो आके घर मामा वैसे भी तुम्हें बुलाती रहती हैं हम्म अच्छा सीरियसली वो दोनों ही मुझे कह रहे थे कि असद को खाने पे बुला लो घर ऑलराइट ओके असद इधर देखो huh? इधर देखो असद hmm. परसों रात आठ बजे मेरे घर uh... इधर देखो और जब तक तुम हाँ नहीं कहते ना तब तक इधर ही देखते रहो अच्छा भाई ठीक है परसों रात डिनर तुम्हारे घर पे आठ बजे हाँ अब यार ठीक है भाई प्लीज कोई आउट हो जाएगा देख लो कन्फर्म कंफर्म बाबा प्लीज अब देख लो मैं देखो एक और आउट